सब कुछ जमा हुआ है यहाँ पे, सबके जितनी बिल्डिंग्स हैं सबके ऊपर बर्फ़ है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसके सबके ऊपर बर्फ़ है। काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंड है इधर, और मैं अभी अभी बस से उतरा हूँ, थोड़ा सा पैदल चला हूँ आधा किलोमीटर सा, उसके बाद मैं मनाली मॉल रोड की तरफ जा रहा हूँ जो कि सामने है। ये भी मॉल रोड ही है, मुझे कोई सस्ता सा होटल मिल जाए मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ इस टाइम पे। और काफ़ी बर्फ़ पड़ी है लास्ट नाइट में। अब मैं यहाँ से होटल लेने के बाद थोड़ा सा ब्रश वगैरह फ्रेश वगैरह होके थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके तब यहाँ से मैं निकलूँगा, मनाली के आसपास विज़िट करूँगा, घूमूँगा। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, ये इधर गोल चक्कर आ गया, आगे से गाड़ी आ रही है, सॉरी टर्न हो गया। ऊपर तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, वहाँ के जो ऊपर सामने वाले जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है। गुड मॉर्निंग गाइज, और मैं इस टाइम पे मनाली में हूँ अपने होटल में, और ये मेरा रूम है जो कि मुझे 600 में मिला है, काफ़ी ठीक है। और ये एक टेबल, यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, लाइट वाइट वैसे तो ठीक ठाक है, अच्छा है सिस्टम। और ये है आपका वॉशरूम जो कि एकदम क्लीन है, और गीज़र वगैरह भी लगा हुआ है, और ये सिंक। सारा कुछ ओके, डन। अब मैं यहाँ से रेडी होकर के सबसे पहले मैं निकलूँगा सोलांग वैली, और सोलांग वैली के बाद मैं ओल्ड मनाली जाऊँगा, शायद ओल्ड मनाली कल जाऊँगा, लेकिन मैं सोलांग वैली पहले जाऊँगा क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और नज़ारे बहुत अच्छे अच्छे दिखाई देंगे। होटल के बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है, होटल के बाहर कुछ ऐसा दिखाई देता है, उधर पहाड़ों पे धूप है और सारे पेड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं। मॉल रोड पर क्योंकि बहुत ही पॉपुलर पॉइंट है यहाँ पर, ज़्यादातर लोग सारे लोग लगभग सब लोग मॉल रोड ज़रूर आते हैं जो भी मनाली आता है। और यहाँ पर विंटर्स के क्लोथ्स, और ये मार्केट है काफ़ी पॉपुलर मार्केट है, यहाँ से ज़्यादातर लोग शॉपिंग करना पसंद करते हैं। तो ये मार्केट कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं, वो आप देखते रहिए वीडियो में। आज काफ़ी भीड़ है इधर, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं क्योंकि कल सैटरडे संडे है, इस वजह से
ज़्यादातर लोग सैटरडे संडे को यहाँ पर आना पसंद करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे विंटर के क्लोथ्स, विंटर्स के जो क्लोथ्स होते हैं वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे आपको यहाँ पे। अगर आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है, यहाँ पर साइकिल्स की भी शॉप है, माउंटेन बाइकिंग का भी शॉप होता है। जैसे मैं अभी अपने घर पर फ्री टाइम में माउंटेन बाइकिंग करता हूँ तो यहाँ मिल जाती है। वाओ, क्या साउंड है पानी का। बहुत अच्छा साउंड है पानी का इधर, और पानी काफी साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है इधर। पूरा बर्फ पिघल करके पानी ये ब्यास नदी में जा रहा है, और ये ब्यास नदी पूरे वैली को, मतलब इस वैली की जान है ये नदी।